आप चाहे पूरा साल कितनी भी डाइटिंग करें, कितना भी परहेज करें, दिवाली के टाइम आपका मीठा खाने का मन जरूर करता है, और करे भी क्यों ना, दिवाली आती ही साल में एक बार है। तो चलिए आज हम अपनी किचन में एक ऐसी मिठाई बनाते हैं जो इजीली बन जाएगी, फटाफट बन जाएगी, कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाएगी, और सबसे बड़ी बात, जिसमें गिल्ट फैक्टर बहुत कम होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की दिवाली स्पेशल रेसिपी, जो है चना बादाम बर्फी। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपकी शेफ एंड दोस्त सुगंधा, और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने चैनल आउट ऑफ फैशन पे। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और नीचे दी गई बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले हम इस बर्फी में डलने वाले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं भुने हुए चने से। ये है 250 ग्राम बिना छिलके के भुने हुए चने। कढ़ा हुआ दूध, मैंने 1 लीटर दूध को कढ़ा लिया है और तब तक कढ़ाया है जब तक वो आधा ना हो गया हो। 15 से 20 बादाम जिसे पीस लिया है दरदरा सा। 150 ग्राम धागे वाली मिश्री जिसको भी पीस लिया है, अगर आपके पास मिश्री ना हो तो आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 से 20 बादाम जिसको घी में थोड़ा सा फ्राई कर लिया है, और ये है देसी घी। अब एक हैवी बॉटम कढ़ाई में 1 टेबलस्पून घी लेके हम इन भुने हुए चनों को फिर से एक बार भून लेते हैं। अब चनों को करीब 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच पे भून लीजिए। चने अच्छी तरीके से भून चुके हैं, अब बारी है इसमें कढ़ा हुआ या गाढ़ा दूध मिलाने की। ये जो कढ़ा हुआ दूध है, इससे हमारी बर्फी को बिल्कुल मावे वाला टेस्ट और टेक्सचर मिलेगा। अब दूध और चने को फिर से पका लीजिए धीमी आंच पे फॉर अबाउट 5 to 7 मिनट्स। जो हमारा कढ़ा हुआ दूध था उसमें से 3/4 या 3/4 दूध मैं इसमें डाल चुकी हूँ, और 1/4 दूध मैंने छोड़ दिया है फॉर लेटर यूज। दूध बहुत अच्छी तरीके से पक गया है और ये काफी थिक भी हो गया है। अब इसको 5 से 7 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए, और फिर हम इसे पीस लेंगे। जब आप इसे पीसेंगे तो आपको बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, इसे हल्का सा दरदरा छोड़िएगा। इसमें हम थोड़ा सा दूध डाल लेते हैं ताकि पिसने में आसानी रहेगी। चने और दूध को हमने अच्छी तरीके से पीस लिया है। इसको पीसने में जितना भी दूध हमने बचाया था वो हमने सारा डाल दिया है, और देखिए मैंने इसको कुछ दरदरा सा पीसा है। क्योंकि ये चना बादाम बर्फी है और चने तो पिस चुके हैं, अब बारी है बादाम की। तो हम एक फ्रेश कढ़ाई में 2 टेबलस्पून घी लेंगे, और उसमें जो हमने बादाम का पाउडर रखा है हम उसको भून लेंगे। बादाम को करीब 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पे भून लीजिए। बादाम अच्छी तरीके से भून चुके हैं, अब बारी है इसमें चने और दूध का पेस्ट और पिसी हुई मिश्री डालने की।
अब क्योंकि हमारा मिक्सचर थोड़ा सा चिपक रहा है, हम इसमें डालते हैं ज़रा सा घी और घी के साथ साथ हम डालते हैं फ्राइड बादाम। इसको करीब 2 से 3 मिनट के लिए और कुक कर लीजिए बिल्कुल धीमी आंच पे। चना बादाम बहुत अच्छी तरीके से भुन चुका है और हमारा बर्फी का जो बेस है वो तैयार है। अब बारी है इसको मोल्ड करने की, तो हम इसको किसी भी ट्रे में या किसी डिश में निकाल लेंगे। उसको निकालने से पहले हम डिशेस को ग्रीस कर लेते हैं। फिर इसको आप ठंडा करिए करीब 3 से 4 घंटे के लिए और फिर इसके बर्फी के पीसेस काटिए और इसे सर्व करिए। अब जब ये बर्फ़ी तैयार होगी आप उसे आराम से 1 हफ्ता 10 दिन तक एंजॉय कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे गार्निश कर सकते हैं कटे हुए पिस्ते और बादाम के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की दिवाली स्पेशल चना बादाम बर्फी ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और नीचे दी गई बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली।